जिला मंडी में सर्व देवता कमेटी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान शिवपाल शर्मा ने की। बैठक के दौरान प्रधान शिवपाल शर्मा द्वारा मंडी जिला से जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब मंडी जिला का संपूर्ण विकास होगा, क्योंकि उन्हें ईमानदार व निष्ठावान व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में मिले हैं। शिवपाल शर्मा ने बताया कि मंडी जिला से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है, जो कि मंडी जिला के लिए गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान आगामी शिवरात्रि महोत्सव को लेकर चर्चा की गई, जिसमें देवी देवताओं से संबंधित समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि देव सदन का निर्माण शिवरात्रि तक हो जाना चाहिए, ताकि सभी देवी देवता देव सदन का लाभ उठा सकें। आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें आज जो हमें सभी कार्यकारिणी को बड़ी खुशी जाहिर करनी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जिला मंडी के रियासत के बाद पहली बार जिला मंडी को मुख्यमंत्री मिला हुआ। इसमें सभी कारदारों ने बड़ी खुशी जाहिर की और उम्मीद की कि हमारे देवी देवताओं का जितनी व्यवस्था है वो जरूर सुधारेंगे, क्योंकि ये देव भूमि से है और देवते सराज घाटी के सबसे अधिक मात्रा में। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जयराम का धन्यवाद करते हैं, मंडी आने के लिए स्वागत करते हैं कि मंडी आए और हमारी जितने भी कारोबार है उन्हें समस्त ने अनुरोध किया कि हमें भी इनसे इनका स्वागत करना चाहिए। अभी कारदार तैयारियां कर रहे हैं, जब मंडी आएंगे तो विचार किया जाएगा इसके बारे में। दूसरा, सबसे प्रमुख हमारी जो प्राचीन व्यवस्था शिवरात्रि चलाने की थी वो कई सालों से लुप्त हो गई है, उसको सुधारने के लिए भी कारदारों ने अपनी मांग रखी। हमारी कोशिश होगी कि प्राचीन जो व्यवस्था हमारी शिवरात्रि मेले की थी वो ठीक तरह चले। दूसरा, हमारा देव सदन जिसके लिए आज 2 साल हो गई, अभी तक कार्य वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। ये मालूम हुआ कि 2-7 करोड़ रुपया देने के बावजूद भी आज तक कार्य क्यों नहीं चल रहा है, इसके बारे में भी अधिकारियों से बात की जाएंगी कि इसको शीघ्र किया जाए। बगैर देव सदन से हमारे देवी देवता को ठहरने की कोई जगह नहीं है। दूसरा, हमारी जो मांगे थी उन मांगों के बारे में प्रस्ताव हमने प्रशासन को दिया हुआ, अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इन मांगों पर कार्रवाई की जाए